हरियाणा में पुलिस की पिटाई, रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। थाने में घुसकर एसपीओ से हाथापाई, मुंशी की वर्दी फाड़ी। हरियाणा में रेवाड़ी के जाटूवास गांव में गैंग रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ हाथापाई हो गई। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने लगी तो आरोपियों ने न केवल विरोध किया बल्कि पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए सरकारी काम में बाधा भी पहुंचाई। इसके बाद आरोपियों ने थाने में घुसकर मुंशी की वर्दी फाड़ दी और स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ के साथ मारपीट की। हालांकि विरोध के बावजूद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लाई। पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम अंकित, अमन और सन्नी है। ये सभी गांव जाटूवास के रहने वाले हैं। बाइक पर आए युवकों ने विरोध किया। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक मॉडल टाउन पुलिस टीम रेप के दो आरोपियों के साथ मामले में संलिप्त एक और आरोपी योगेश को पकड़ने उसके गांव जाटूवास गई थी। इसी दौरान गांव के कुछ लड़कों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। प्रवक्ता ने बताया कि विरोध के बावजूद जब पुलिस टीम आरोपी को गांव जाटूवास से थाना मॉडल टाउन की तरफ ले जाने लगी तो पीछे से दो बाइक पर तीन युवक पुलिस की गाड़ी का पीछा करते हुए आरोपियों को छुड़वाने के लिए थाने तक पहुंच गए। उन्होंने एक एसपीओ के साथ मारपीट करते हुए थाने के मुंशी की वर्दी तक फाड़ दी। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिस आरोपी योगेश को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी वह भी गिरफ्त में है। यह था गैंग रेप का पूरा मामला। पुलिस के मुताबिक 8 नवंबर को भिवानी जिले की एक महिला ने बताया था कि वह वर्तमान में नौकरी खोज रही थी। इसी दौरान उसकी जान पहचान मोबाइल चैट के जरिए मुकेश नाम के व्यक्ति से हुई। मुकेश ने बताया कि वह एक कंपनी में मैनेजर है, साथ ही कहा कि किसी अच्छी कंपनी में उसे भी जॉब दिला देगा। 23 अक्टूबर को मुकेश ने उस महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रेवाड़ी बुलाया। पीड़िता के मुताबिक इसके बाद आरोपी उसे रेवाड़ी के बावल चौक पर मिला और उसे बाइक पर बैठाकर रेवाड़ी शहर में ही एक अनजान होटल में ले गया। होटल में जाने के बाद आरोपी ने उसे जबरदस्ती बियर पिला दी। इसी दौरान आरोपी का एक अन्य साथी भी वहां आ गया। दोनों आरोपियों ने उसके साथ रेप किया, साथ ही किसी को भी इस बारे में बताने से जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने गैंग रेप और धमकी देने का केस दर्ज किया। मामले में कार्रवाई करते हुए मॉडल टाउन थाना पुलिस ने जांच के बाद तीन आरोपी मुकेश, जितेंद्र और योगेश को गिरफ्तार कर लिया।